देखो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड इट कम्स इन योर SEQ, ये आपको आना चाहिए, ठीक हो गया। ये आपका UP होता है SEQ के, आप बताओ काउंसिल कैसे करोगे। आप उनको बताओगे ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है, आपको ये डिजीज होगी लेकिन आप उसका कोई सिम्टम एक्सप्रेस नहीं कर रहे होगे। लेकिन जब दो रिसेसिव जीन्स आ जाएंगे आपके बेबी में तो द पर्सन विल शो सिम्टम्स, ठीक है। नॉर्मल के लिए मैं बड़ा आर बना रही हूँ, ये हो गया नॉर्मल, ये वाला इसके अंदर ये बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल है। ये वाला क्या हो गया, आर कैपिटल और आर स्मॉल कैरियर है, ये कैरियर, इसको खुद कोई सिम्टम्स नहीं है। लेकिन अगर दैट पर्सन मैरीज अनदर कैरियर तो 25% चांस है ये हो गया कैरियर और ये हो गया रेटिना पिगमेंटोसा का पेशेंट। इज इट क्लियर? आर आर कैपिटल नॉर्मल है, ये जब तक दो रिसेसिव में नहीं होगा। अब क्या करना है, फादर भी कैरियर है, एक इसके पास कैपिटल आर है, इसके पास एक स्मॉल आर है, और मदर भी कैपिटल आर और स्मॉल आर कैरियर है। एक बेबी हुआ हेल्दी, हुआ हेल्दी बेबी का मतलब है दो कैपिटल आर आ गए बिल्कुल नॉर्मल, दो कैरियर बेबीज आ गए, कैरियर बेबी भी नॉर्मल ही है। इट विल ओनली एक्सप्रेस द दो स्मॉल, दो डिजीज आएंगे तो 25% चांस है आप उनको ये क्रॉस बना के एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। आप ये क्रॉस बना के एक्सप्लेन करोगे कि 25% चांस है आपके बच्चे को ब्लाइंडनेस हो जाएगी और आपको कुछ भी नहीं, हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम कम्युनिटी मेडिसिन वाला प्राइमरी प्रिवेंशन यूज करेंगे और उनको बताएंगे कि आप उनको बताएंगे आपकी फैमिली में ये डिजीज है कि नहीं हिस्ट्री के बाद, या कोई बड़े बच्चे को ठीक है नहीं, उसके बाद फिर उनको हम अवॉइड करवाएंगे कि डोंट डू कजन मैरिज, जेनेटिक काउंसलिंग ऐसे करेंगे। इज इट क्लियर?